मैं आइए कहूँ सर। प्लीज के, आइए गुड इवनिंग सर। प्लीज गुड टेक इवनिंग मैम। सीट। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सर। कई कारणों से है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आपकी हॉबी और मेरी हॉबी बिल्कुल वही है। हॉबी कहिए या रादर एडिक्शन कहिए, पाकिस्तान के बारे में रोज पढ़ता हूँ। इंडिया का पेपर भी पढ़ता हूँ, पर पाकिस्तान का भी इनवेरिएबली विदाउट फेल पढ़ता हूँ। कौन सा पेपर मुझे पढ़ना चाहिए पाकिस्तान के? पढ़ रहा हूँ, आप ही बताइए। डॉन डॉन। आप पढ़ते हो? जी सर, डेली पढ़ते हो? डेली। लास्ट के 2-3 दिन में कौन से, क्या न्यूज़ वहाँ की चल रही है डॉन में? सबसे बड़ी न्यूज़ तो जो नैब के अमेंडमेंट थे जो पीडीएम गवर्नमेंट ने किए थे, उनको उमर अता बंदियाल ने जाते समय उनको स्टक डाउन कर उनके दिया। सिक्योरिटी इश्यूज बताइए यार, सिक्योरिटी इश्यूज विच हैव प्लेग्ड यू नो, बड़ा पाकिस्तान बड़ी समस्या के अंदर रहता है इस समय। सबसे बड़ा टीटीपी की थ्रेट है, जो खासकर कबायली इलाकों में केपी के अंदर और चित्राल के अंदर अभी जो एक सीज की सिचुएशन थी काफ़ी दिनों से, न्यूज़ बहुत कम बाहर आ रही है। और पाकिस्तान लगातार तोरखम नाम शब्द सुना है? तोरखम, तोरखम बॉर्डर, तोरखम पे क्या है सिचुएशन? तोरखम पे पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान साइड से नहीं, पिछले तालिबान, 10 दिन में क्या हुआ है? वो बॉर्डर बंद कर दिया गया था, क्रॉस फायरिंग हुई थी, अभी कल वापस खोल दिया गया। इशू क्या था जिसके कारण से बंद हुआ? इशू क्रॉस फायरिंग थी और पाकिस्तान का फायरिंग आरोप है तो कि एक कारण के से शुरू हुई थी। वो स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे थे दे वर अफगानिस्तान बिल्डिंग तालिबान। स्ट्रक्चर्स विद इन 150 मीटर्स एरिया। तो ये बताइए, ये तो चलो हो रहा है, ये जो लाइन है डूरंड लाइन, हाँ, ये किसने बनाई, क्यों बनाई गई? ये अंग्रेजों ने बनाई थी। क्यों बनाई? और ये उस समय अफगानिस्तान अलग था और जो ब्रिटिश इंडिया था ये अलग था। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एटीन किसको अलग करने नाइनटी के लिए? अफगानिस्तान को ये इंडिया से, उस समय ब्रिटिश इंडिया को अफगानिस्तान बाउंड्री को डीमार्केट किया गया था 1893 में। तो सेपरेट करने की लाइन खींचने से क्या होगा? तो उस समय ज्यूरिसडिक्शन दोनों का अलग हो गया था और ये कबायली इलाका था। तो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया चाहते थे कि अफगानिस्तान को एज ए बफर यूज किया जाए, इसीलिए इन लोगों ने, पर थ्रेट और कहीं से थी? थ्रेट ऊपर जो रशियन एम्पायर था रशियन उनसे थी एम्पायर, और तो अफगानिस्तान को बफर स्प्रेडिंग बनाया गया। जी सर। और ये डूरंड था कौन? एग्जैक्ट नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेटर ही रहे होंगे। फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ किस कंट्री का फॉरेन सेक्रेटरी रहा होगा उस समय? ब्रिटिश एम्पायर का। ब्रिटिश एम्पायर। जी सर। सेक्रेटरी कौन होते हैं यूके में? यूके में जनरली मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ जनरली क्या मिनिस्टर्स ही होते हैं, इनके मिनिस्टर को इक्विवेलेंट सेक्रेटरी होते हैं, उसमें जो प्राइम सेक्रेटरी। मिनिस्टर के अलावा सारे सेक्रेटरी। जी सर, जी सर। वहाँ मिनिस्टर नहीं होते ही नहीं, वो मिनिस्टर नहीं होता है, हमारे मिनिस्टर के इक्विवेलेंट जो मिनिस्टर ही पोस्ट हैं, है। जी इक्विवेलेंट सर। के मिनिस्टर हैं वहाँ के जी सर। मिनिस्टर्स। ठीक है, ये तो हो गया पाकि, अच्छी नॉलेज है, तारीफ लायक। अब आ जाते हैं आपके गुड़गांव में, आप रहते हैं गुरुग्राम में, क्या ऐसी घटनाएं हुई पिछले एक महीने के अंदर जी सर। जो यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं या पुलिस ऑफिसर भी आपकी नेक्स्ट चॉइस है, जी सर, तो आप ऐसी घटनाओं को गुरुग्राम या नूह में जो हुई है उसको नहीं होने देंगे? क्योंकि आपने पढ़ भी लिया जी होगा, सर। सुन भी लिया होगा, देख भी लिया, चर्चा भी की होगी। जी सर। तो क्या गलतियाँ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप नहीं होने देंगे राजस्थान में यदि आप RAS या RPS ऑफिसर बन जाते हैं? जी सर, सिस्टमेटिकली बताइए। ये जो एक एथनिक जो क्लैशेज थे दो कम्युनिटी के बीच, और खासकर डू यू कॉल इट एथनिक क्लास क्लैश, द वर्ड दैट यू हैव कम्युनल चोज़न, क्लैशेज, एग्जैक्टली, इज देयर डिफरेंस बिटवीन एथनिक एंड जी कम्युनल? जी सर, जी सर। तो वो थे, और खासकर कोई रिलीजियस इवेंट होता है, और नुहू एक मेवात का एरिया है, तो वहाँ पर काफ़ी हॉट एरिया समझा जाता है इस मामले के अंदर। उस समय समय में पहले भी हिस्ट्री है नुहू के अंदर इस तरह के कामों की। तो गवर्नमेंट कई बार एक लैक्स एक्टीट्यूड हो जाता है, उसके कारण इनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ये लोग एक्टिव होते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम अभी जो 5-7 दिन पहले नुहू में एक यात्रा थी, तो वो बहुत ही पीसफुली गुजरी थी। तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, जिनकी एक हिस्ट्री रही है क्लासेज की, उनको एक्टिवली एंगेज करके कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ में मेरा मानना है कि कोई भी कम्युनिटी उस पॉइंट के बाद कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती वायलेंस के अंदर, तो वो भी गवर्नमेंट को एक्टिवली करना चाहिए। थर्ड है लॉ एंड ऑर्डर इशू का, तो उसमें जो भी व्यक्ति इसमें मुलविस पाया जाता है,
रिसेंट अरेस्ट है वहाँ पे, एक जो कल्प्रिट थे मेन, जिनकी सबसे बड़ी नाम आ रहा था इसको कम्युनल जो ये जहर है उसको फैलाने में, उनको अरेस्ट किया गया है। पहले उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा था, लेकिन जब स्टेट अपनी फुल माइट से एक्ट करता है तब उस व्यक्ति के पीछे कोई नहीं खड़ा रहता। उनको घटना होने के पहले ही अरेस्ट किया जा सकता था, किस कानून के अंतर्गत किया जा सकता है बता सकते? UAPA, इस समय जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो UAPA के तहत किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। UAPA तो सब्सटेंटिव ऑफेंस होने के बाद में उसमें किया जाता है, कोई अपराध कर लेता है तो UAPA के अंदर, बिना अपराध के पहले लग रहा है कि कर लेगा आशंका है तो उसमें प्रिवेंटिव सेक्शन CRPC में ही है, 151 है, 107 है, कई हैं, मेनली 151 को यूज़ करते हैं। ज़्यादा दिन अंदर रखना हो तो NSA को यूज़ करके सालों, एक साल या दो साल अंदर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखना कलेक्टर को, केवल क्या है सस्पेशन जस्ट दिस मैन में क्रिएट प्रॉब्लम क्योंकि इसकी एक्टिविटी इस तरह की रही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली इस समय शायद 3 महीने का है मैक्सिमम लिमिट, 6 months है, 6 to 6 अगेन इट कैन बी इंक्रीज बाय दिस। ठीक है, थैंक यू सर। आपने कहा पाकिस्तान के विषय में आप बहुत अधिक पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई जैसे हमारी कंट्री में या दूसरी कंट्रीज में भी एक रूल ऑफ लॉ होता है ना, रूल ऑफ लॉ के अधीन ही हम सब कार्य करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है, तो वहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्या है, क्या रूल ऑफ लॉ है या कोई और चीज़ है जिससे कि वो गवर्न होते हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव वो कि आर्मी आ जाती है एंड इट कैप्चर्स एंड, तो वो रूल ऑफ लॉ वर्क क्यों नहीं करता? मैम इसका जेनेसिस तो जब पाकिस्तान 47 में अलग हुआ इंडिया से, तो उसके बाद के कुछ समय में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने कभी भी जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उनको पैर जमाने का मौका नहीं दिया। उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन ही 56 में बना, फिर 58 में अयूब ने उसको सस्पेंड कर दिया, देन 62 के अंदर फिर से एक नया बनाया गया, फिर 73 में बना वो सस्पेंड हुआ, 85 में फिर बना, तो एक तरीके से हमेशा आर्मी का एक इंस्टीट्यूशनल रोल इतना बढ़ गया और धीरे धीरे वो बिजनेसेज के अंदर भी आज उन्होंने एक तरीके से कई ऐसे एरियाज है जहाँ एक्सक्लूसिवली वही ऑपरेट करते हैं और पॉलिटिशियन मेजर पावर सेंटर वहाँ रूल ऑफ मिलिट्री ही है, तो आज उनके पास ऑप्शन नहीं है मिलिट्री के लिए उनकी नज़र में कि वो सिविल स्पेस छोड़ दें। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ये आर्मी का जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वहाँ पे वो उनको रोकता है कि डेमोक्रेटिक ताकतों को जगह ना दी जाए। क्या आपको लगता है ये कभी आने वाले समय में ये ठीक होएगा या और बढ़ेगा? अभी के हिसाब से देखें, अभी की ट्रेजेक्ट्री, तो जिस हिसाब से नए आर्मी चीफ इस समय आसिम मुनीर साहब जिस तरीके से जा रहे हैं, तो उस हिसाब से फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी को वहाँ पे कोई नई लाइफ मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़माने में ओवरऑल एक जो ट्रेंड है, इमरान खान ही अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने पहली बार आर्मी के अगेंस्ट वहाँ के लोगों को खड़ा किया है, तो वहाँ से वो आवाज़ें निकल रही है धीरे धीरे और इसका एंड प्रोडक्ट मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी आके रहेगी। आप कभी लोगों की वॉइस को नहीं दबा सकते, वो कब आएगी वो फ्यूचर में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे कम है जी मैम, यूँ मानिए, तो फिर वहाँ के न्यूज़पेपर्स का क्या, वो कौन सा जर्नलिज्म पर क्या वो है, जैसे डॉन तो काफ़ी खुलकर लिख देता है। मैम उसमें दो लेयर्स हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक मतलब पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके खिलाफ तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम कई बार क्या है कि उसका इक्विवेलेंस इंडिया से कर देते हैं और हम बोलते हैं कि देखो वहाँ की मीडिया बहुत फ्री है, लेकिन वहाँ पे पावर सेंटर वहाँ की पॉलिटी नहीं है, रादर मिलिट्री है और मिलिट्री के लिए वो कुछ नहीं लिख सकते। इमरान खान का नाम भी लेना इस समय बैंड है वहाँ की मीडिया के अंदर, तो वो मिलिट्री का डायरेक्टिव है, उनका वो नाम भी नहीं लेते हैं। कई बार उनके बच्चे के नाम से बोला जाता है कि उनके अब्बा, उनके अब्बा, तो वो हम लोगों का एक देखने का संकुचित नज़रिया है क्योंकि हम इंडिया से कंपेयर करके देखते हैं, तो असल में मीडिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंधा हुआ है, कोई भी जर्नलिस्ट कभी भी गायब हो सकता है। अच्छा, हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर है जी मैम भारत में, और एक तो पहले तो ये बताइए कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है
दूसरे बताइए कि क्या आपको लगता है ऐसा कि कुछ फेडरलिज्म वीक पड़ रहा है, और वीक पड़ रहा है तो कहाँ, और वीक नहीं पड़ रहा है तो कैसे? फेडरल पॉलिटी, फेडरल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही बताएं तो उसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं वो अपनी स्वेच्छा से आती है, प्लस वो ऑप्शन भी अपने पास रखती है कि कभी भी उस फेडरेशन से बाहर जा सकती है। इंडिया में ये केस नहीं है, इंडिया में ना तो वो स्वेच्छा से आई ना वो स्वेच्छा से जा सकती है, इसलिए इंडिया को एक यूनियन बोला जाता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए बोलें तो हम एक फेडरल पॉलिटी हैं, तो उसमें स्टेट का अपना ही एक गवर्नेंस सिस्टम है और सातवीं अनुसूची के तहत उनको अपनी अधिकार क्षेत्र दिए गए लेजिस्लेशन के लिए, तो यह पूरी फेडरल पॉलिटी है। और फेडरलिज्म के ऊपर जो आप एक जो संकट की क्वेश्चन किया आपने, तो उस मामले में नहीं, मैं संकट की नहीं, मैं वीकनेस की बात कर रही हूँ। क्या फेडरलिज्म वीक माना जा रहा है क्या? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, बताइए। तो इस समय जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स देखेंगे वो इस समय जो सेंटर के खिलाफ स्टैंड लेती रहती है, खासकर एक सीबीआई वाला मामला हो, प्रायर कंसेंट वाला, तो बहुत सारे स्टेट्स ने वहाँ से प्रायर कंसेंट खींच लिए। समय समय पे वो नीति आयोग की मीटिंग्स को भी स्किप करते रहते हैं, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि उन लोगों का जो स्पेस है वो कम हो रहा है, अदर वो और मुखर होके आ रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो स्पेस देता है। तो मेरा ऐसा नहीं मानना कि फेडरलिज्म कहीं ना कहीं वीक है। ये अभी हेरॉन ड्रोन्स चर्चा में है, अभी कहाँ पर यूज हुई, और इन हेरॉन ड्रोन्स, ड्रोन्स का ड्रोन्स हेरॉन्स नाम है, हेरॉन ड्रोन्स, ये कहाँ, दो जगह अभी इस्तेमाल हुए हैं, और इनकी क्या खासियत है? मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा कि कौन सी कंट्री का है ये, लेकिन मेन ड्रोन सभी, एक तो नगारनो काराबक के अंदर जो अर्मेनिया अजरबैजान का था वहाँ पे, और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों में ड्रोन्स वॉरफेयर का बहुत बड़ा यूज आया है। और उसमें मेन ड्रोन सप्लाइंग कंट्री एक तो टर्की है एंड दूसरा ईरान है, तो इन दोनों में अपने अभी अभी बहुत लेटेस्ट यूज हुआ है। एक कल जो ये यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है कश्मीर के अंदर, हाँ, उस मामले में भी, उस मामले में एक तो यहाँ, और ऐसे चार जो हैं वहाँ उस बॉर्डर पे भेजे हैं, चीन से सटे हुए बॉर्डर पे भी गए हैं। एग्जैक्ट मुझे हेरॉन का नहीं पता तो मैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा अपील करते हैं कि दिस इज द बेस्ट? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही अपने आप में वो है, बट देन यू फील कि भाई ये है तो सारा इसमें समाहित है। जी मैम, मुझे जो फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट की जो उसके ऊपर कमेंट्री है, खासकर 73 में जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, तो वहाँ पे मेरा मानना है कि एक जो सैंक्टिटी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट चाहे कोई भी रहे, कितनी भी ब्रूट मेजोरिटी के साथ आए, आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं खेल सकते, वो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ तहत तय कर दिया। रादर उन्होंने 368 को ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, कि गवर्नमेंट कल चेंज करने की कोशिश भी करे तो सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरीके से उसको स्ट्रक डाउन कर देती है। और फंडामेंटल राइट्स अपने आप में जो बेसिक होता है डेमोक्रेसी का, कि लोग और उनके राइट्स, उसको सुनिश्चित करता है, तो वो राइट्स प्लस उनका प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत, और पूरा ही जो पार्ट 3 है, तो यह मेरे को सबसे ज़्यादा अपील करता है। प्रीएम्बल याद है आपको? मैम वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, बट उसके मेन पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स याद है। जी मैम, चलिए मेन पॉइंट्स बताइए। सबसे कैसे स्टार्ट कैसे होता है ये तो बताइए। We the people of India hereby give ourselves having solemnly resolved to constitute India. फिर आगे words. Sovereign, socialist, sovereign, secular, socialist, democratic republic. ये main polity का type है. Second उसके बाद freedom है, freedom of conscience, thought, belief, worship, and there is one more. एंड उसके बाद लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ लिबर्टी इसमें आ गया, जस्टिस तीनों टाइप का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, एंड
फ्रेटर्निटी के अंदर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड लास्ट में एक डेट है 26th of November 1949. आपको पूरा खाका याद है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स? ओके, थैंक यू मैम। तो आप आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद फिर इधर कहाँ प्रशासन में आ रहे हैं? सर, इसके दो कारण हैं। एक तो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की रुचि रही, तो गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हो गया, मिनिस्टर्स के नाम हो गए, तो ये बचपन से ही एक रुझान था इनकी तरफ। आईआईटी में जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे, पाकिस्तान पे, खुद मैं बाड़मेर से आता हूँ, वहाँ से जो शरणार्थी आते हैं तो उनको देख देख के ये रुचि भी काफ़ी डेवलप हो गई। फिर मुझे भी तो खुद को एक ऐसा जॉब ऑप्शन चुनना है जिसमें खुद के पोटेंशियल के साथ मैं न्याय कर सकूं, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये भी एक नेसेसरी चीज़ है। प्राइवेट जॉब भी आपने किया, तो वहाँ क्या लगा आपको? वहाँ मैं एज ए नेसेसिटी ही गया था। मैं उस एरिया में अच्छा था, मैथ और साइंस में, स्टैटिक्स में, तो मैं चाहता था कि बाद में जब कोचिंग वगैरह भी करूं, जिस समय मैं एक दो साल जो लगेंगे मेरे को, उसमें खुद को सर्वाइव करने के लिए मैं बर्डन ना डालूं फैमिली पे, तो इसीलिए वहां पर मैं गया था। फिर यूपीएससी भी दे रहे हैं आप? हाँ, यूपीएससी में दे रहा हूं। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। अच्छा, ठीक है। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर तीन साल करीब काम किया आपने? जी सर। क्या काम था इसमें? इसमें मेन जो कोर हमारा फंक्शन था वहाँ पे एम्बुलेंसेज वगैरह प्रोवाइड करवाना, तो उसके लिए जो एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स वगैरह हैं उनकी ऑनबोर्डिंग और उनको समझाना कि ये क्या चीज़ है, तो वो मेन काम था। 112 अभी न्यूज़ में है, सुना आपने? आज के पेपर में है? सॉरी सर, आज का हिंदी का पेपर नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो जनरली 108 एम्बुलेंस। 108 जी सर। तो एम्बुलेंस की मतलब ये वाला जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का था, हेल्थ सेक्टर का ही था आपका? जी सर। तो हेल्थ सेक्टर की ही बात करते हैं कि राजस्थान में हेल्थ सेक्टर को अगर देखें जी सर, तो एक अलग ही पैराडाइम शिफ्ट हो गया है जी, एक अलग लेवल पे राजस्थान जा रहा है जी सर। कुछ पॉइंट्स बताएं आप, कुछ फीचर्स बताएं। उसमें सबसे बड़ा फीचर और पाथ ब्रेकिंग फीचर वो है राइट टू हेल्थ बिल है, तो उसमें एज ए राइट दिया गया है यहाँ के सिटीजन्स को। और दूसरा ये बन गया क्या एक्ट? जी सर, ये पास हो चुका है। इसको गैजेट नोटिफिकेशन आ गया? गैजेट शायद दोनों सदन से पास हो गया है, तो ऑटोमेटिकली फिर पास ही समझा जाता गवर्नर के उसके बाद। तो मेरे विचार से श्योर नहीं हूँ मैं इस पर, मेरा मुझे लगता है कि वो और बताया क्या पॉइंट्स। उसके बाद जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, और इनका जो अमाउंट बढ़ा के 25 लाख और 10 लाख रेस्पेक्टिवली किया गया, ये बहुत बड़े अमाउंट है और कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट्स हैं। बाकी बीमा योजनाओं के अंदर अमाउंट इतने नहीं होते हैं, कई बार कंडीशंस भी होती है, फैमिली में कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आप समय के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ना फैमिली के साइज़ के ऊपर बाउंडेशन है, ना आप कितनी बीमारियों के लिए, किस बीमारी के लिए कर सकते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो यह दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, और इवन इंडिया का जो भी ओवरऑल आर्किटेक्चर है हेल्थ का, इस समय हेल्थ एज अ पब्लिक गुड प्रोवाइड करवाना, तो उस समय राजस्थान इस समय सबसे अग्रणी है। और अभी विधानसभा जब सेशन चला था जी सर, कौन कौन से नए बिल लेके आए गए राजस्थान में? जी सर, एक तो गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक नया बिल आया था, एक जो डेड बॉडीज़ के संबंध में, तो उनको डिग्निटी देने के लिए, और कई बार जो हड़तालें वगैरह होती है उनके लिए एक बिल था। एक जो पब्लिक एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अनफेयर मीन्स को टैकल करने के लिए, यह एक बिल था। यह तीन ही मैं याद कर पा रहा हूँ मीन्स। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं जी सर, कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके हैं जिससे जो परीक्षा में होने वाले जो नकल है या फिर पेपर लीक के जो माफिया हैं, इनके खिलाफ हम कुछ कर सकें? सर, टेक्नोलॉजी के अंदर तो जो एंड टू एंड प्रोसेस है, पेपर सेट होने से लगाकर अंत में जब पेपर अभ्यर्थी के हाथ में पेपर आता है, तो उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है ओवरऑल, कि पेपर एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी ऐसे डिब्बे के अंदर पैक हो, कब खोला जा रहा है, कब बंद हो रहा है। ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं इसमें? ब्लॉकचेन का आई एम श्योर कर सकते हैं इसके अंदर यूज, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इरेज नहीं कर सकते। जिस समय जो इवेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, तो
तो एज ए एविडेंस यदि हम पूरे इस चेन के अंदर इसको ब्लॉकचेन को यूज़ करें, सारी इन्फॉर्मेशन कब खुला, किसने खुला, किस आईडी से खुला, तो आप उसको फिर इरेज नहीं कर सकते, तो वो ट्रैकिंग पब्लिक डोमेन में भी रहती है वो चीज़। जी सर, तो आपके क्या ऐसे सुझाव हैं जो मिशन 2030 में आपने दिए हैं या फिर देना चाहोगे? पता है आपको मिशन 2030 क्या है राजस्थान सरकार का? सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, रोजाना पेज अखबार में आ रहा है, कई बार रहते हैं ना। अच्छा, इनकी बात तो नहीं, फिर भी अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे राजस्थान का। और अभी मुख्यमंत्री जी ने सुझाव आमंत्रित किए थे। हाँ वही तो है, वही वही पूछना है। उसके एग्जैक्ट कॉन्टूर्स क्या हैं, किस मामले में है, तो मैं गैस नहीं करना चाहूँगा इसमें, इसलिए कोई बात नहीं। तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो क्या काम आएगी प्रशासन में आपके? सर सिविल इंजीनियरिंग के कोर पार्ट्स हैं, जो एक तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में मैंने सीखा, तो मैं कहीं पे भी रहूँगा तो एक करप्शन का बहुत इशू रहता है बिल्डिंग क्वालिटी के अंदर, तो उसको मैं चेक कर पाऊँगा। दूसरा डिजास्टर सिस्टम में जो आते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ओवरऑल है कि पहले क्या प्रिकॉशनरी कदम लिए जाने चाहिए, इवन डिजास्टर होने के बाद किस तरीके से मोबिलाइज करने रिसोर्सेज को, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यह सारी चीज़ें हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के इतर साइंस का ही यूज लूँ तो एक आईआईटी के फील्ड में इस समय आईटी मतलब प्रशासन में एफिशिएंसी लाने के लिए आईआईटी इस समय बहुत बड़ा क्रिटिकल टूल है, तो वह जो नॉलेज है मेरे को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से भी, तो वो बहुत हैंडी रहेगा। करप्शन क्या होता है? करप्शन जिस काम के लिए आपको कोई टूल जो दिया गया है उसके इतर पर्सनल गेन के लिए उस टूल को यूज़ करना, यह करप्शन होता है। और इंटीग्रिटी से कैसे जुड़ा हुआ है ये? इंटीग्रिटी यदि आप में नहीं है तभी आप करप्शन करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप अपने साथ, अपने कन्विक्शन के साथ और आपके ऊपर जो ड्यूटी एंट्रस्ट की हुई है उनके साथ आप न्याय करते हो हमेशा और सही रास्ते पर रहते हो। जब उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है तो करप्शन तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है उसका। सर थैंक यू। सर आपने फेडरलिज्म के बारे में कहा कि इट इज़ परफेक्टली ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर, जी सर, और बल्कि यहाँ पर राजस्थान में भी ऐसे इश्यूज उठे कि जबकि सरकार और गवर्नर्स के बीच में काफ़ी बड़े इश्यूज उठे। इन तीनों में जो नाम लिए पहले वाले, वहाँ तो यू नो एक असेंबली ने ही यू नो रेजोल्यूशन पास किए। जी सर, यू नो असेंबली की बात चलनी चाहिए या गवर्नर की बात चलनी चाहिए स्टेट के अंदर? सर यह भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। असेंबली के अंदर गवर्नर का जो स्पीच होता है एनुअल, उसको भी डिस्टर्ब्ड किया गया कई बार। ये वो अलग बात है, असेंबली एक निर्णय करती है जी कि हमारे स्टेट में ये होगा, वो होना चाहिए या गवर्नर जो चाहते हैं वो होना चाहिए। सर दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, इसलिए गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी है। राष्ट्रपति जी को सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति जी के लिए सेव कर सकते हैं। और दूसरा कई ऐसे बिल हैं जिनको लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए राष्ट्रपति जी की जरूरत महसूस होती है। अभी जैसे दिल्ली और दिल्ली के लेफ्ट हैंड गवर्नर की, जी सर, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र मुख्यमंत्री का है। जी सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। जी सर, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जी सर, और कोई बॉडी तो है ही नहीं। जी सर, कि वहाँ पर भी घर्षण फ्रिक्शन। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दिया था तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ लीगल क्वेश्चन को एड्रेस किया था, और सेंटर ने अपनी रीजनिंग के अंदर कोर्ट में बताया था कि क्यों उन्होंने एलजी के तहत ही जो ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है और जो ये बाद में ऑर्डिनेंस भी लेके आए थे सिविल सर्विस अथॉरिटी का, उसका क्यों कहा था। और जो ये वर्डिक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि अभी के सिस्टम में यह जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके अंडर आते ब्यूरोक्रेट, लेकिन आर्टिकल 239A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इज फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ, जिसके तहत वो स्टेट एम्पावर होना एक बात है। जी सर, जैसे गवर्नर इज फुल्ली एम्पावर्ड टू लुक इनटू एनी बिल पास बाय असेंबली। यस सर, पर 6 महीने 10 महीने विदाउट एनी लिमिट पड़े रखना। जी सर, इवन दीज इश्यूज आर बीइंग रेज्ड बाय असेंबलीज। जी सर, नॉट ओनली इन दीज 3 places, एट नंबर ऑफ अदर प्लेस। जी सर, आप 10 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में,
इसको लेकर के बैठ जाए और गवर्नर कहता है कुछ भी हो जाए मैं तो करूँगा ही नहीं जी सर विदाउट गिविंग एनी रीज़न वाई विल नॉट डू डोंट यू थिंक दिस इज अ साइन टूवर्ड्स यू नो वीकनिंग फेडरलिज्म सर ये ग्रे एरिया है गवर्नमेंट गवर्नर के को बिल कब पास करना है उसका कोई टाइम फ्रेम है नहीं तो यह एक ग्रे एरिया है तो कुछ मॉरल चीज़ भी तो होती है नहीं होती है वो पाँच साल ही लेके बैठ जाए फिर असेंबली का मतलब क्या रहा सर डिस्क्रिप्शन का मतलब इतना तो नहीं हो सकता कि पावर है लेकर के मैं सीनियर ऑफिसर हूँ मुझे पावर है आपकी फाइल भेजी हुई रखने की मैं उसको निकालू ही नहीं उसको विल इट बी ओके सिंपली बिकॉज आई एम एम्पावर्ड टू कीप योर फाइल सर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज एन इश्यू सिंपली पावर होना अलग बात है जी सर मॉरली टू जस्टिफाई दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग ठीक है ना ऐसे फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरह के इश्यूज आते हैं आई होप यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू के तो एडिटोरियल्स आर वेरी बैलेंस्ड एडिटोरियल्स आते हैं बल्कि फॉर एंड अगेंस्ट दोनों आते हैं बीच का भी आता है कई दफे तो सो ऑलवेज टेक ए बैलेंस्ड व्यू रादर देन ट्राइंग टू बी ऑन वन साइड एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़ यू आर एक्सट्रीमिस्ट यू विल नेवर बी टेक ए वेरी ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ थिंग्स है ना इवन